बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक और बिस्किट की रेसिपी बनाना सीखेंगे, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। सबसे पहले आपने बटर और ब्राउन शुगर ले लेनी है। ब्राउन शुगर 4500 ग्राम है, बटर हमारा 5 kg है, 5 kg मिल्क पाउडर 8 kg का एक पैक 800 ग्राम का, सॉरी 800 ग्राम का एक पैकेट हमने ऐड करना है। ये देख रहे हैं माशाल्लाह, आपका बटर रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। 1 घंटा से 1.5 घंटा पहले आपने निकाल लेना फ्रीज़र में से, उसके बाद आपने यूज़ करना है। ये इस कंडीशन में लेके आना है मक्खन को, तब आपने यूज़ करना है। तो मक्खन ऐड करेंगे हम, उसके बाद ब्राउन शुगर ऐड करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को बीट करेंगे, इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट के लिए बीट करना है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस कम्प्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों चीज़ों को बीट करेंगे, ये बात अपने जहन में बैठा लें कि और कोई चीज़ इसमें नहीं जाएगी, सिर्फ दो चीज़ें मक्खन और बटर को बीट करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। चलें जी, हमारी ब्राउन शुगर भी डलने लगी है, और साथ ही यहाँ पर हम ब्राउन शुगर और बटर को चलाने के बाद मैदा वगैरह वेट कर लेंगे, इनका तोल लेंगे, इन्हें वज़न कर लेंगे इनका, मशीन को चला देंगे मीडियम से फास्ट स्पीड के बीच में। याद रखें कि आप इसे हाथ की मदद से भी तैयार कर सकते हैं और रेशो को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप रेसिपी की रेशो को, यानी कि आप 1/2 kg 1 kg की जितनी मर्जी बना सकते हैं। आप ग्राम्स में सारी चीज़ें लेके डिवाइड कर दें, बेशक 10 से डिवाइड करें, 20 से डिवाइड करें। यह है कि आपने डिवाइड एक ही चीज़ से फर्ज करके, अगर सारे ग्राम्स आपने नोट कर लिए ग्राम्स को, तो सारी चीज़ों को ग्राम्स में लेकर, तो फिर उसके बाद आपने डिवाइड कर देना है जितनी मर्जी चाहे कम रेसिपी कर निकालना चाहें, आप रेशो निकाल सकते हैं। फ्लोर हमारा, मैदा हमारा हो गया 7.5 kg 7500 ग्राम, और ये देख लें माशाल्लाह से 7500 ग्राम हमारा आल पर्पज़ फ्लोर मैदा हो गया। उसके बाद आपने इसमें मिल्क पाउडर, फुल क्रीम मिल्क पाउडर ऐड करना है। 800 ग्राम का एक पैकेट है, मुकम्मल पैकेट जाएगा। इन दोनों चीज़ों को हमने इकट्ठा डालना है। तो जब चीनी और ब्राउन शुगर अच्छी तरह से बीट हो जाएगी 5 से 6 मिनट के लिए, तो आखिर में एंड में इसे ऐड करेंगे। ये देख लें यहाँ पर अंडे डालने लगे हैं हम। 5 मिनट गुजरने के बाद 6 एग्स हमारे जाएंगे, या होल एग्स ठंडे होने चाहिए, कोशिश करना है एग्स आपके ठंडे होने चाहिए तो बेस्ट है। रूम टेम्परेचर पर सर्दियों में चल सकते हैं, गर्मियों में आपने कोशिश करनी है हल्का सा ठंडा कर लें 5 से 10 मिनट के लिए, उसके बाद आपने ऐड कर देना है। यहाँ पर त्रिगल हमने तैयार किया है, त्रिगल चीनी का बनता है। 1 पाव 250 ग्राम हमारा त्रिगल जाएगा। त्रिगल मकसद है ये है कि कलर आपका डार्क ब्राउन आए, गोल्डन ब्राउन कलर आपका आएगा। इससे ये डालने का मकसद ये है कि आपके कैंडी बिस्किट का कलर ब्राउन, गोल्डन ब्राउन कलर आए, तो इस वजह से ये त्रिकल ऐड किया जाता है। त्रिकल बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका, त्रिकल बनाने के लिए सिर्फ चीनी चाहिए होगी, ग्रैनुलेटेड यानी कि दानेदार चीनी आपने ले लेनी है। फर्ज करें कि 1 पाव चीनी ले लेनी है, तो आपने उसे मेल्ट कर लेना है मीडियम से लो फ्लेम के बीच में से, इसे मेल्ट कर लेंगे अच्छी तरह से, तो ये आपका लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आपका त्रिकल कहलाएगा, त्रिकल आपका तैयार हो जाएगा। 250 ग्राम हमने ऐड किया था अंडे डालने के बाद, उसके बाद 1 मिनट के लिए चलाएंगे त्रिकल डालने के बाद 1 मिनट के लिए मशीन चलाएंगे, हल्का सा बीट कर लेंगे। उसके बाद आपने ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैदा और मिल्क पाउडर ऐड करेंगे इसमें। तो इसके बाद आपने मशीन को तकरीबन 2 मिनट के लिए मज़ीद चलाना है, बीट करना है, इसे मावे को रेडी करना है, तैयार करना है, इसे प्रिपेयर करना है। 1 से 2 मिनट के लिए चलाएंगे, ज़्यादा नहीं चलाएंगे इसे, तो मावा आपका तैयार हो जाएगा। जब मावा तैयार हो जाएगा, तब आपने यहाँ पर शुगर ऐड करनी है 1 kg, 1 kg आपकी दानेदार चीनी जाएगी। आपको दिखाएंगे ये मावा हमारा मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है, तो तब आखिर में आपने 1 kg आपने शुगर ऐड करनी है, दानेदार चीनी आपने याद रखना है, ग्रैनुलेटेड शुगर आपने ऐड करनी है। और उसे ऐड करने के बाद आपने सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए मशीन को चलाना है, या हाथ की मदद से अगर तैयार करें तो हल्का सा मिक्स करेंगे, तो उसके बाद आपने
टेबल पर डाल देना है और कटाई शुरू कर देनी है। मावा आपका रेडी हो जाएगा। ये देख ले मान, माशाल्लाह से मावा हमारा ऑलरेडी पहले से तैयार हो चुका था। तो तब आपने आखिर में चीनी ऐड कर देनी और 10 से 15 सेकंड के लिए मशीन को चलाना है, बस मिक्स करना है हल्का सा चीनी को। तो मावा आपका तैयार हो जाएगा और नीचे उतार लेना है, इसे मशीन को बंद कर देना है। ये देख रहे हैं माशा, यहाँ पर टेबल पर डालने के बाद इसको स्मूथ कर लेंगे, स्मूथ शेप में ले आएंगे, इसे रोल कर लेंगे, इसे प्रेस करेंगे हल्का सा, इसे दबाएंगे हल्का सा, इसे मुलायम करेंगे। और इसे दबाने का मकसद ये है कि बीच में इसकी लम्ब वगैरह ना बने। ये देख लें, इस तरह से आपने प्रेस करना है हाथों की मदद से ताकि लम्ब बीच में ना बने और हमारा जो मावा है स्मूथ हो जाए। ये देख लें माशाल्लाह से, इस तरह से बेकिंग स्टाइल में कैनी बेकर तैयार किए जाते हैं। फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर हम ये ओरिजिनल रेसिपी शेयर कर रहे हैं। माशाल्लाह से लुक चेक करें माशाल्लाह से हमारे कैंडी बिस्किट्स की। ये देख लें, फर्स्ट टाइम है ये यूट्यूब पर कि कंप्लीट मुकम्मल रेसिपी आप लोगों के साथ यूट्यूब पर शेयर की गई है कैंडी बिस्किट्स की, किस तरह से कैंडी बिस्किट्स तैयार किए जाते हैं बेकरी स्टाइल में। तो इंशाल्लाह इस रेसिपी देखने के बाद आप इंशाल्लाह घर पर आसानी के साथ कैंडी बिस्किट्स बनाना सीख जाएँगे इंशाल्लाह ताला। तो मुकम्मल कंप्लीट गाइड के साथ हमने ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो अगर हमारी रेसिपी और हमारा चैनल आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और हमारी रेसिपी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ ये देख रहे हैं आप लोग, डस्ट करना है फ्लोर को टेबल के ऊपर ताकि ये मावा टेबल के साथ चिपक ना जाए। तो साथ ही साथ आपने हल्का सा फ्लोर डस्ट करते रहना है जितना ज़रूरत हो, ज़रूरत से ज़्यादा ऐड नहीं करना है, हल्का सा ऐड टच देना है आपने, डस्ट करना है फ्लोर। ये देखें हाथों की वजह से इस तरह से प्रेस करना है, चौड़ाई में इजाफ़ा हो जाएगा इसकी। तो उसके बाद आप बेलने की वजह से आसानी के साथ इसे मज़ीद चौड़ा करेंगे, इसकी वेड़ में इजाफ़ा करेंगे, इसे बारीक कर लेंगे। चलें जी, ये देख लें मज़ीद इसे बारीक करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि इसे बारीक करना है, तो इस वजह से इसे मज़ीद प्रेस करेंगे। इसे हाथों की मदद से इस तरह से बारीक करने के बाद आखिर में आपने मज़ीद बारीक करना है वो बेलने की मदद से, ताकि स्मूथ शेप में आ जाए हमारी ये मावे की जो शेप है। ये देख लें, नीचे से हमने प्लास्टिक का धागा डोर बीच में से गुजारी है ताकि हमारी जो डो है अपनी मावा है हमारा वो टेबल के साथ ना चिपके, हमारा बैटर जो है मावे के टेबल के साथ ना चिपके। तो इस वजह से हमने डोर को नीचे से गुजारा है ताकि टेबल के साथ ना चिपके, बस इसका मकसद यही है। बेलने की मदद से स्मूथ कर लेंगे, प्रॉपर शेप में लेंगे, खूबसूरत शेप में लेंगे। ऊपर से याद रखेंगे डस्ट करना है अपने फ्लोर को। यहाँ पर हमने लकड़ी के स्टिक यूज़ किया है इसकी शक्ल को साइडों से दुरुस्त करने के लिए। ये देख लें माशाल्लाह से इसकी साइड प्रॉपर से एडजस्ट करेंगे, इसे लकड़ी की बनी स्टैक है, आप कोई चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं दुरुस्त करने के लिए शेप को। मज़ीद बेलने की मदद से इसे एडजस्ट करेंगे, लंबाई मोटाई जो है यहाँ पर ख़ास तौर पर जो मोटाई वगैरह है इसके आपने ध्यान रखना है, बराबर रखनी है, कम ज़्यादा ना हो। जब बेक हो तो ये ना हो कि मोटाई चौड़ाई आगे पीछे हो, तो कुछ बिस्किट आपके सही बेक हो तो कुछ लाल हो जाएं और कुछ आपके बेक सही तरह से ना हो, कच्चे रह जाएं। तो इस वजह से आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, बराबर रखना है अपने इसकी चौड़ाई को मोटाई को। ये देख लें, सीज़र हमने कैंची यूज़ की है यहाँ पर लेयर देने के लिए, डिज़ाइन देने के लिए। इस तरह से आपने लेयर देनी है, डिज़ाइन देना है। यहाँ पर कैंची की मदद से आपने यहाँ पर ये डिज़ाइन देना है। ये देख लें माशाल्लाह कैंची बिस्किट्स किस तरह से तैयार किए जाते हैं। ये कटर हमने यूज़ किया, ये देख लें इस तरह का कटर आपने यूज़ करना है। सेम अगर आप ये शेप चाहते हैं तो कैंडी बिस्किट वाली, तो आपने ये वाला कटर यूज़ करना है। तो कटर की मदद से ये देख लें कटाई करेंगे और ट्रेज वगैरह में एडजस्ट करेंगे और इसे बेक कर लेंगे। बेकिंग टेम्परेचर हमारा 150 होगा, 30 से 35 मिनट के लिए,
30 से 35 मिनट के लिए इसे बेक कर लेंगे 150 के टेम्परेचर पर। याद रखना है आपने ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रखना है, 150 के टेम्परेचर पर ही इसे बेक करना है, तब ही आपका गोल्डन ब्राउन कलर आएगा इन बिस्किट्स का। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त कलर है हमारे कैंडी बिस्किट का। ये देखें माशाल्लाह, लुक चेक करें माशाल्लाह से, ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग खूबसूरत ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये देख लें माशाल्लाह से हमारा बेकिंग टेम्परेचर 150 होगा। 150 के टेम्परेचर पर इसे बेक करेंगे 30 से 35 मिनट के लिए। चलें जी माशाल्लाह से आज हम कैंडी बिस्किट्स की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देख रहे हैं लोग चेक करें माशाल्लाह से कैंडी बिस्किट्स की, बहुत ही आला खूबसूरत ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये देखें जी, ये त्रिगल की वजह से इतना गोल्डन ब्राउन कलर जो हमारा त्रिगल आपने तैयार कर लेनी है, तो सेम यही कलर आपका निकलेगा कैंडी बिस्किट का माशाल्लाह से ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग फ्लेवर भी इसका ज़बरदस्त है माशाल्लाह से त्रिगल की वजह से। तो ये देखें लुक चेक करें माशाल्लाह से, बहुत ही आला ज़बरदस्त। तो ये रेसिपी आप घर पर तैयार करें और अपने बच्चों को सर्व करें, अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करें।